आरबीआई ने साइबर सुरक्षा और डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी पर ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं। ड्राफ्ट नियम के मुताबिक साइबर सिक्योरिटी के लिए बोर्ड के डायरेक्टर्स जिम्मेदार होंगे। 1 अप्रैल 2024 से लेकर 1 अप्रैल 2028 तक अमल में लाने का प्रस्ताव है। पूरी खबर के साथ जुड़ रही है हमारी सहयोगी एकता सूरी। बताइए एकता, आरबीआई ने दरअसल एक ड्राफ्ट मास्टर सर्कुलर जारी किया है नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स के लिए। नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स जैसे कि अमेज़न हो गया, जीपे हो गया, पेयू हो गया, मतलब वो जो बैंक नहीं है लेकिन आपको पेमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब जितना बड़ा नॉन बैंक पीएसओज है उतनी ही उसकी टाइमलाइन जो है कम है। अगर बड़ा नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स है तो आरबीआई ने कहा है कि आप अपनी साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल पेमेंट जो है वो एक रोबस्ट सिस्टम तैयार कीजिए 1 अप्रैल 2024 तक। अगर मध्यम वर्ग का है तो 1 अप्रैल 2026 तक। अगर छोटा नॉन बैंक पीएसओ है तो 1 अप्रैल 2028 तक। अब आरबीआई ने इसमें सुझाव दिए कि आप अपने साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल पेमेंट सिस्टम को कैसे रोबस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो कहा गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूवल के साथ एक साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल पेमेंट्स को लेकर सिक्योर सिस्टम बनाएं। अगर उसमें खामियां आती हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो उसके लिए जिम्मेदार होंगे। जो अलग अलग सुझाव है उसमें कहा गया है कि मसलन अगर आप ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐप आपने काफी दिनों से इस्तेमाल नहीं की, अगर एक कोई उसका इस्तेमाल करना शुरू हो रहा है तो फिंगरप्रिंट हो गया या सिम कार्ड रजिस्ट्रेशन से वेरिफिकेशन हो गया, ये होना चाहिए। एक से ज्यादा अगर आपको एक ही ऐप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव दिख रही है तो आपको उसी समय अलर्ट जारी करना है। अगर आप कोई ओटीपी भेज रहे हैं तो उसमें ये बताना होगा कि आपका जो मर्चेंट है वो कौन है। सिर्फ पेमेंट गेटवे से बात नहीं चलेगी, ओटीपी में अगर आप जो बैंक की जो डिटेल्स हैं, जो अकाउंट डिटेल्स हैं, कार्ड की डिटेल्स है, उसको आपको हिडन ही रखना होगा। जो आप ये ओटीपी भेज रहे हैं वो आप स्थानीय भाषा में भेजें ताकि लोगों को आसानी से समझ में आए। अगर ये इनके प्रीपेड कार्ड्स हैं, नॉन बैंक पीएसओस के प्रीपेड कार्ड्स हैं, अगर वो कोई लोड कर रहा है तो लोड कर रहा है और उसके बाद अमाउंट ट्रांसफर कर रहा है तो उसके बीच में एक कूलिंग पीरियड होना चाहिए लोड करने के बाद। ऐसे ही अगर कोई इन एप्स पर जाकर अपना मोबाइल नंबर बदलता है, ईमेल आईडी बदलता है तो ट्रांजैक्शंस 12 घंटे के लिए एक तरह से हम कह सकते हैं सस्पेंड, लेकिन यहाँ कहा गया कूल ऑफ पीरियड होना चाहिए ताकि उसके बाद कोई एकाएक ट्रांजेक्शन ना हो। क्योंकि बहुत बार ऐसी घटनाएं हमने देखने को मिली कि सिम कार्ड ब्लॉक हो गया है और उसके बाद उसी समय साइबर जो क्रिमिनल्स हैं वो एक्टिव हुए और उन्होंने पैसा गायब कर दिया अकाउंट से। तो यहाँ पर ऐसी बहुत सी चीजें मेंशन की गई है कि नंबर बदला जा रहा है या ईमेल आईडी बदली जा रही है तो आप कूल ऑफ पीरियड दीजिए 12 घंटे का। ये भी कहा गया है कि इन सब साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल पेमेंट्स के लिए जो रोबस्ट सिस्टम है वो अगर लेट से किसी क्लैमिटी की वजह से डाउन हो गया है तो आपके पास एक बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए दूसरा सिस्टम अप एंड रनिंग उसी समय होना चाहिए। ऐप पर अगर आपको कोई फर्जी सौदे दिख रहे हैं तो आप उसको लिस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर को अगर कोई फर्जी ट्रांजैक्शन दिख रही है तो वो बैंक को अलर्ट करे ताकि बैंक कस्टमर को अलर्ट करे। आरबीआई ने जितने भी होल्डर्स हैं नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स उनसे कहा गया है कि आप 30 जून तक हमें सुझाव दीजिए। ये जो मास्टर सर्कुलर है ये एक ड्राफ्ट है जिससे स्टेक होल्डर्स का 30 जून तक अपने सुझाव देंगे और उसके बाद एक हम देख सकते हैं कि साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल पेमेंट्स को लेकर एक ड्राफ्ट आएगा, सर्कुलर आएगा। बिल्कुल।